हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं साइकिल को मॉडिफाई, और इसमें हमने हॉर्न वगैरह भी लगाया है जो कि आपने वीडियो को स्टार्टिंग में देख लिया होगा। तो गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो चलिए फटाफट से इसकी मेकिंग देखते हैं, इसको हमने किस तरीके से बनाया है। तो गाइस, साइकिल में लाइट लगाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक 12 वोल्ट की लाइट। लाइट का यूज बाइक वगैरह में होता है। ये लाइट आपको मार्केट में 50 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो इसका ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। तो गाइस, यहां पे आप देख सकते हो एक लोहे का एंगल लगा हुआ है। तो ये देखिए गाइस, आगे की तरफ लगा हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है कि पीछे की तरफ कर देना है, तभी ये साइकिल में अच्छे से फिट हो पाएगा। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो गाइस, इसको हमने उल्टा करके यहाँ पे हमने एक छोटा सा कट लगा दिया है जहाँ से हम नट को टाइट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको साइकिल में लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस लाइट को लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हैंडल वाला आपको बोल्ट दिख रहा है, इसको हम खोल करके इस लाइट को यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो इस लाइट को अगर आपको ऊपर नीचे करना हो तो आप यहाँ से कुछ इस टाइप से आसानी से कर सकते हो। तो अब इसके बाद हम लेंगे एक इस टाइप का बाइक वाला हॉर्न। ये आपको मार्केट में 150 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो अब इसके बाद गाइस, हम इस हॉर्न को इसमें लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने देखिए पीवीसी पाइप को गर्म करके कुछ इस टाइप से उसका पीस यहाँ पे मोड़ लिया है, जो कि आप आसानी से मोड़ सकते हो, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगाएंगे और इस हॉर्न को यहाँ पे हम आगे लगा करके नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर देंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हमने हॉर्न को काफी अच्छी तरीके से फिट कर लिया है, और अब इसके बाद हम लगाएंगे हैंडल लाइट। तो इसके लिए हम लेंगे 12 वोल्ट की ब्लू कलर की लाइट, और इसकी गाइस यहाँ पे आप जो बॉडी ऊपर की देख रहे हो इसको हमें हटा देना है, तभी ये अच्छे से फिक्स हो पाएगी। तो चलिए हम इसको कट करके हटा देते हैं। लाइट यहाँ पे हमने दो पीस ले लिया है, और इसके बाद हम पीवीसी पाइप से गोल पीस कट कर लेंगे, और यहाँ पे हमने कट लगा दिया है पीवीसी पाइप में। और अब इसके बाद हम ग्लू गन लेंगे और इसके अंदर भर देंगे। इसको हमने लगा लिया है, अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद दूसरा वाला हम बनाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे सूख चुका है, तो इसको हम यहाँ से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, काफी मस्त यहाँ पे इसका फिनिशिंग आया हुआ है। तो अगर ये नहीं छोड़ता है तो आप इसमें ऑयल का यूज करिएगा, तो काफी जल्दी ये छोड़ देगा। तो चलिए हम इसको हम निकालते हैं यहाँ से। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी मस्त यहाँ पे आगे से देखने पे लग रहा है। तो इसी तरीके से गाइस, हम यहाँ पे दूसरा वाला भी बना देंगे। तो चलिए अब हम इसको भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों हैंडल लाइट को बना लिया है, और देख सकते हो गाइस, देखने पे काफी ज्यादा यहाँ पे मस्त लग रही है। तो गाइस, अब हम लगाएंगे यहाँ पे इस हैंडल लाइट को। तो इसको हम इसमें लगाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे एक लाइटर, और इसको हम गर्म करेंगे। तो इसको गर्म करने के बाद हमें यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पे दाब देना है, तो इसमें अच्छे से चिपक जाएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरी वाली हैंडल लाइट को भी लगा लेंगे। तो अब हम बनाएंगे साइकिल की ब्रेक लाइट। तो उसके लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप की लाइट जो कि साइकिल के पीछे लगती है। ये आपको मार्केट में 10 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे गाइस, हमने एक छोटा सा होल कर दिया शोल्डर की सहायता से गर्म करके, जहाँ पे हम इस टाइप की जो 12 वोल्ट की लाइट है इसको हम इसके अंदर लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको हम देखिए गाइस, कुछ इस टाइप से यहाँ पे अंदर लगा करके तो हम देखिए यहाँ से ग्लू गन से फिक्स कर देंगे। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारी जो ब्रेक लाइट है वो यहाँ पे बन चुकी है। तो चलिए हम इसको साइकिल में लगाते हैं। तो गाइस, अब हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक लाइट, और इसमें देखिए हमने वायर को जोड़ लिया है जहाँ से हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल दिख रहा होगा, तो इसमें हम इसको लगा करके यहाँ पे इसको हम नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर देंगे। तो गाइस, अब इसका जो वायर है यहाँ पे, इसको देखिए हम इसमें से लपेटते हुए आगे की तरफ लेके चले आएंगे।
तो गाइस यहाँ पे देखिए जो पीछे की लाइट का वायर था उसको हमने यहाँ तक ला दिया है, और अब इसके बाद हम यहाँ पे एक एल्युमिनियम का वायर लेंगे और इस वायर को गाइस देखिए हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से लपेट के यहाँ पे हम इसको अच्छे से भी टाइट कर देंगे। और इसके बाद एक हमें और वायर लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का एक और वायर लेना है, और यहाँ पे जो नट आपको दिख रहा है इसमें मोड़ करके यहाँ पे लगाएंगे जिससे कि इसका हम ब्रेक सिस्टम बनाएंगे। तो चलिए हम इसको पहले यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं किस तरीके से हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे हमने इसका पूरा कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे देखिए आपको प्लस वाला वायर जो है इसको छोड़ देना है, और माइनस वाले वायर में से हमने देखिए बीच में से कट करके एक वायर यहाँ पे लगा दिया है और एक इस वाले में लगा दिया है। तो यहाँ पे जो ये एल्युमिनियम का वायर है ये जो गाइस स्विच का काम करेगा, तो जैसे देखिए हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे यहाँ पे टच हो जाएगा और हमारी जो ब्रेक लाइट है वो ग्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो चलिए अब हम आगे का कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस अब देखिए जो हॉर्न है इसका, और यहाँ पे जो हैंडल लाइट है और आगे की लाइट और उस लाइट का, यहाँ पे देखिए हम सभी का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो वायर है इसका काफ़ी छोटा भी है, तो इसमें हम वायर को जोड़ करके बड़ा कर लेंगे, उसके बाद हम सभी का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए पहले हम इसमें वायर को जोड़ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये जो है हॉर्न का वायर है, और यहाँ पे दो हैंडल लाइट का वायर है, और एक जो कि हेडलाइट का वायर है। तो यहाँ पे अब जो कि हम सबका कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हमने देखिए एक पीवीसी पाइप से कुछ इस टाइप का पीस यहाँ पे मोड़ करके बना लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दो होल किया है ऑन ऑफ स्विच के लिए, और एक यहाँ पे पुश स्विच के लिए जिससे हम हॉर्न को चलाएंगे। तो यहाँ पे हम सभी को लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे स्विच को फिक्स कर लिया है, और अब इसके बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी के प्लस को एक में जोड़ दिया है, और इसके बाद यहाँ पे हैंडल लाइट का दोनों माइनस यहाँ पे है, और आगे वाली लाइट का और यहाँ पे हॉर्न का, यहाँ पे तीनों का माइनस आप देख सकते हो यहाँ पे है। और अब इसके बाद जो यहाँ पे स्विच है इन तीनों में हम एक एक पॉइंट को सभी को जोड़ देंगे। तो कनेक्शन यहाँ पे हमने कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए सबका माइनस हमने यहाँ पे एक एक पॉइंट पे जोड़ दिया है, इसका भी माइनस आप देख सकते हो, और यहाँ पे तीनों में से हमने एक एक वायर को निकाल दिया है। और अब इन तीनों को हम एक में जोड़ देंगे, और यहाँ से हम एक प्लस ले लेंगे और यहाँ से एक माइनस वायर ले लेंगे। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो अब इसको गाइस हम यहाँ पे हैंडल में लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको आपको टाइट करके कुछ इस टाइप से इसमें लगा देना है। तो इसको हमने नट बोल्ट से अच्छे से टाइट कर लिया है, और यहाँ पे एक प्लस वायर है और एक माइनस वायर, तो हम यहाँ पे एक दो और वायर लेंगे और इन दोनों में हम एक एक वायर को जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे जो ब्रेक लाइट का प्लस माइनस है और यहाँ पे आगे का प्लस माइनस है, इन दोनों का प्लस प्लस एक में और माइनस माइनस एक में हमें जोड़ देना है, बस हमारा जो कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने वायर में एक कनेक्टर जोड़ दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी से इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 12 वोल्ट बैटरी पैक बनाया है छोटा सा। आप इसको अगर आपको बनाना हो तो आपको डायग्राम आपको साइड में दिख जाएगा, नहीं तो आप कोई भी बैटरी 12 वोल्ट की यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर देगी। और यहाँ पे हमने देखिए 3SBMS से इसको बैटरी पैक बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी पैक है, तो इससे हम इसको चलाने वाले हैं। तो इसको हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि टेप की सहायता से इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे, और यहाँ पे जो कनेक्टर है इसको हम इसमें लगा देंगे, तो हमारा जो कि पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और
और ये जो कि काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो बैटरी को हमने टेप की सहायता से काफ़ी अच्छे से चिपका दिया है और यहाँ पे गाइस देखिए इसका कनेक्टर जो है इसको हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस एक कनेक्ट हो चुका है और अब जो कि हमारी सारी लाइट्स जो कि वर्क करेगी। तो गाइस चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस चलिए पहले हम हॉर्न की टेस्टिंग आपको करके दिखाते हैं और लाइट की टेस्टिंग आपको रात को करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले इसको हम बजाते हैं। तो गाइस आपने देख लिया होगा कितना गजब तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम आपको लाइट की टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हैंडल लाइट कितनी मस्त तरीके से और काफी ब्राइट तरीके से यहाँ पे जल रही है। और चलिए अब हम आगे वाली लाइट को चालू करते हैं। तो यहाँ से हम स्विच को ऑन करते हैं और गाइस देख सकते हो आप इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। आप रात में कहीं पे भी काफ़ी आसानी से जा सकते हो, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और गाइस दूर से देखने में देख सकते हो कितना गजब यहाँ पे लग रहा है। और ब्रेक लाइट भी देख सकते हो गाइस काफ़ी मस्त तरीके से वर्क कर रही है। तो इसका जो हॉर्न है वो काफ़ी तगड़ा बजता है, जैसे कि बाइक का बजता है सेम उसी तरीके से। तो अगर इसकी बैटरी आपको चार्ज करना हो तो आप 12 वोल्ट एडाप्टर से आसानी से चार्ज कर सकते हो। तो गाइस चलिए अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।